आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का अध्याय 12 नियोजित विकास की राजनीति को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी, आज उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं को आगे पढ़ेंगे। तो आखिर दुर्भिक्ष और पंचवर्षीय योजनाओं का स्थगन सन 1965 से 67 की समय में भारत में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा, मतलब अकाल पड़ा। इससे नियोजन की पूरी रणनीति प्रभावित हो गई और देश में खाद्य सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा। और इसके अतिरिक्त सन 1960 के उत्तरार्ध में भारत में कई आघात झेलने पड़े, जैसे पाकिस्तान से वैमनस्य सन 1965 में, रुपये का अवमूल्यन 1966 में और मुद्रा स्फीति का दबाव। इन कारणों से चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप रद्द कर दिया गया था। इसके स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएं जिनमें 1966 से 67 और 67 से 68 और 68 से 69 को तैयार किया गया और इसके बाद चौथी योजना के प्रारूप के तौर पर कार्यान्वित की गई। और सन 1969 में जब चौथी पंचवर्षीय योजना सर 1969 से 74 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना संचालित हुई तो योजना प्रक्रिया फिर से बहाल हो गई, इसको देश में रोका गया था। लगभग दो वर्ष सन 1965 से लेकर 1967 तक कृषि की अधिकता और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर की कमी ने वार्षिक योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों को क्षय कर दिया और गैर योजनाबद्ध उच्च हो गई। और ठीक उसी समय सरकार पर्याप्त राजस्व संसाधनों को गतिशील करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि अकाल पड़ा था। उस समय दुर्भिक्ष के समय कृषि की अधिकता जो पैदावार थी वो कम हो गई, औद्योगिक उत्पादनों की वृद्धि भी कम हो गई, जिससे कई योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों में हानि हो गई या कमी आ गई। फिर वार्षिक योजनाओं में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता खास तौर पर तेजी के परिणाम सामने लाने वाली और न्यूनतम संभावित समय में उत्पादन बढ़ा सकने वाली योजनाओं को सर्वोच्च वरीयता दी गई कि जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ जाए। और खास तौर से जो योजनाएं जो निम्न स्तर पर थी, न्यूनतम वृद्धि में थी, उन पे कितना अधिक उत्पादन को बढ़ाया जा सके इन योजनाओं को सर्वप्रथम वरीयता दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। इन्हीं वार्षिक योजनाओं के दौरान भारत हरित क्रांति के दौर से गुजरा, जिससे ने कृषि क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी और उससे आगे विकास की दिशा में अग्रसर। इस हरित क्रांति योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई और इसके अलावा उद्योग, खनन, परिवहन, संचार, सामाजिक सेवाओं पर भी बल दिया गया। इस हरित क्रांति में कृषि क्षेत्र में सचमुच एक नई ऊर्जा भर दी, नई क्रांति का इसमें पैदा हुई। और इससे क्या हुआ, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई और परिवार नियोजन के अलावा उद्योग, खनन, परिवहन, संचार और सामाजिक आर्थिक सेवाओं पर भी बल दिया गया। अब है हरित क्रांति क्या थी और इसके परिणाम क्या थे। तो कृषिगत स्थिति अत्यंत 60 के दशक में विपरीत हो गई और 65 से 66 की अवधि में देश में सूखे की स्थिति से रूबरू होना पड़ा। पर अभी दुर्भिक्ष शब्द आया था ना, बोला था अकाल ऐसी स्थिति, तो क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था। और इस समय देश को चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ना पड़ा, जिसके कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ और पूरे देश में विशेष रूप से उत्तर भारत में सूखे की स्थिति पैदा हो गई। बिहार में तो बहुत ही खराब स्थिति, सामान्य उत्पादन से आधा उत्पादन हुआ। बिहार में 5 जिलों में सामान्य उत्पादन की पैदावार हुई। खाद्यान्न की कमी से कुपोषण की स्थिति पैदा हो गई और सन 1967 में मृत्यु दर 65%
1967 में मृत्यु दर 35% बढ़ गई, क्योंकि राशन की खाद्यान्न की कमी से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और जो खाद्य पदार्थ थे उनके मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए थे, आसमान छूने लगे थे, गेहूं और चावल के दाम भी दुगने हो गए थे। पंजाब जैसे खुशहाल राज्य भी खाद्यान्न की कमी के शिकार हो गए और खाद्यान्न संकट के गंभीर परिणाम हुए और सरकार ने खाद्यान्न आयात करने को मजबूर हो गए। देश के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना था। नियोजन के सकारात्मक परिणाम अब धूमिल होने लगे। धीरे धीरे स्थिति में सुधार आया। किसानों ने हल की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया, जिससे कि अधिक से अधिक कृषि की पैदावार हो सके। नहरों और नलकूपों से सिंचाई आरंभ हुई, क्योंकि वर्षा पर निर्भर रहना सूखे को आमंत्रित करना था। गोबर के स्थान पर कारखानों से निर्मित रासायनिक खादों का प्रयोग भी अधिक किया गया और अधिक उत्पादन बनाने बीज बोए और मशीनों से फसल की कटाई की गई। वाणिज्यिक फसलों जैसे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, सब्जियों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया और इसका परिणाम क्या हुआ? कृषि क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई और समग्र रूप से हरित क्रांति की इसको क्या दी गई? संज्ञा दी गई। हरित क्रांति की शुरुआत अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से हुई थी। यह मैक्सिको और फिलीपींस द्वारा विकसित उच्च उत्पादन दर वाले बीजों से हुई। गेहूं, चावल, अन्य उत्पादनों में समुन्नत उत्पादन वाले बीज विकसित किए गए। कहाँ से हुई हरित क्रांति की शुरुआत? अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन से हुई और यह मेक्सिको और फिलीपींस द्वारा विकसित और उत्पादन दर वाले बीजों में हुई। गेहूं और चावल का इसमें के बीज इसमें विकसित किए गए। आगे चलकर भूमि के आकार को बढ़ाया गया। 70 के दशक में समुन्नत बीजों का प्रयोग 15.4 मिलियन हेक्टर, 80 के दशक में 43.1 मिलियन हेक्टर और 90 के दशक में 63.5 मिलियन हेक्टर भूमि में किया। हरित क्रांति का